हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटनरी विजडम। दोस्तों, पिछली प्रेजेंटेशन में इकोनॉमिक्स रिटर्न्स वगैरह के बारे में हमने देखा। ये तीसरा लेक्चर है और ब्रॉयलर फार्मिंग एडवांस लर्निंग का। इसमें हम साइट सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि जहां पर हम फार्म बनाने वाले हैं वो साइट कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए ताकि हमारा फार्म अच्छे से बने और वो मतलब ठीक ठाक रन करे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, लेकिन इसे काफ़ी इग्नोर किया जाता है। हालांकि जो साइट सिलेक्शन है ना, ये पहली चीज़ होती है ब्रॉयलर फार्मिंग को स्टार्ट करने के लिए, कोई भी लाइव स्टॉक फार्मिंग को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि जहाँ हमारी ज़मीन है वहीं तो काम करेंगे ना। कोई ऐसा तो नहीं है कि वो अगर ख़राब होगी तो हम उसे वो कर देंगे। हालाँकि कुछ लोग होते हैं जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो यही पूछते हैं कि कहाँ ज़मीन लें, उन्हें से पहले ज़मीन ही ख़रीदनी होती है। बहरहाल, तो जो ज़मीन हमारे पास है हमें उसे ही ऐसा बनाना होता है कि वो हमारी फार्मिंग के लिए सुटेबल हो जाए। जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं फार्मिंग करने की, उसके हिसाब से उस लैंड को हम मतलब मॉडिफाई कर लेते हैं। कुछ चीज़ें अनअवॉइडेबल होती हैं, जैसे अगर मान लो पॉपुलेशन के नज़दीक है आपका फार्म और वहाँ से कुछ बदबू आ रही है, फ्लाई की प्रॉब्लम है, तो हो सकता है वहाँ पर आपको वो प्रॉब्लम हो और फार्म हटाना पड़ जाए। लेकिन कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, उन्हें कंसीडर किया जाना चाहिए जब भी आप लैंड या साइट सिलेक्शन का कोई भी डिसीजन लेने वाले हों। लैंड में सबसे पहला, एक गुड रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका फार्म कहीं बहुत ही अंदर गांव में हो और वहां पर रोड ना पहुंचती हो या कच्चा रास्ता हो। कई बार क्या होता है ना, थोड़ी सी भी बारिश होती है तो रास्ता टूट जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें कीचड़ हो जाती है। तो व्हीकल जो होते हैं, जो मुर्गी कलेक्ट करने वाले हैं या चूज़े की गाड़ियाँ हैं, वो वहाँ तक आपके फार्म तक नहीं पहुँच पाती हैं, तो वहीं से मतलब प्रॉब्लम्स फिर शुरू हो जाती हैं। तो लैंड की एक गुड रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब अच्छी सड़क से उसे कनेक्ट होना चाहिए। वाटर लॉगिंग के इशू नहीं आने चाहिए। मतलब वाटर लॉगिंग सिर्फ ये नहीं है कि आपके यहाँ कीचड़ हो जाएगी और फार्म गंदा होगा या वहाँ प्रॉब्लम होगी। वाटर लॉगिंग का से क्या प्रॉब्लम आती है कि जब वो पानी नीचे रिसता है ना, तो वो वहाँ की एक तो सॉइल को कि जो पीएच है उसे बिगाड़ देता है। जैसी सॉइल की पीएच बिगड़ती है, जो पानी नीचे रिस के जाता है ना, तो वो ग्राउंड वाटर को भी कंटेमिनेट करता है। तो कहीं पे भी पानी वहाँ पर नहीं भरना चाहिए, और ख़ासकर जहाँ पर फार्म है वहाँ पर तो नहीं होना चाहिए। इसी वजह से हम क्या करते हैं कि फार्म की जो जहाँ पर फार्म बनाते हैं उसे एलिवेट कर देते हैं, उसे रेज कर देते हैं वहाँ पर मिट्टी का भराव करके। तो लगभग 1 से 1.5 फीट का भराव आपको करना चाहिए पहले, उसके बाद उस पर फार्म बनाना चाहिए। तीसरी चीज़ आती है कि फार्म हमारा प्रीडेटर्स और स्ट्रे एनिमल्स से सेफ रहे। तो इसके लिए गुड फेंसिंग भी होनी चाहिए फार्म के मतलब इर्द गिर्द, या तो दीवार आप बनाएं या फेंसिंग बनाएं। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर प्रीडेटर्स हैं, जैसे मतलब कई तरीके के होते हैं, तो ग्राउंड वाटर जहाँ पर आप मतलब फार्म करने वाले हैं वो क्लीन और क्लियर हो, बैक्टीरियोलॉजिकल कंटेमिनेशन ना हो, केमिकल कंटेमिनेशन ना हो। आसपास कोई केमिकल फैक्ट्री है तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो और आपको आरओ लगाना पड़े। पानी की क्वालिटी और इस सब के बारे में अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे। जैसा कि मैंने भी बताया कि पानी का भराव नहीं होना चाहिए आसपास, और साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि अगर कोई वाटर बॉडी है आपके आसपास, तो वो भी एक चिंता का विषय हो सकती है आपके फार्म के लिए। ख़ास तौर से अगर वहाँ पे वाटर बर्ड्स आते हैं, जैसे बुगले हैं या जो सीजनल बर्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो कई सारे ऐसे वायरस होते हैं जो मुर्गियों में बीमारियाँ करते हैं, जैसे बर्ड फ्लू है, रानीखेत है या IB है, तो ये क्या करते हैं, ये अपने साथ में उस वायरस को कैरी करके ले आते हैं। इनमें खुद में तो बीमारी होती नहीं है, या होती भी है तो पता नहीं चलती है, लेकिन ये आपके बर्ड्स के लिए वायरस को मतलब वहाँ पर वो कर सकते हैं। तो ये बायो सिक्योरिटी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है जब किसी फार्म को लगाने की बात की जाती है। तो एक्सपेंशन का भी प्रोविज़न होना चाहिए फ्यूचर में, कि अगर आप मान लीजिए फार्म को बढ़ाने लगे हैं, तो आपके पास इतनी लैंड होनी चाहिए आगे पीछे या साइड में कि आप उस फार्म को वहाँ पर
बढ़ा सकें, तो इस बात को भी ख्याल में मतलब अपने रखिए। इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स, प्रोविजन ऑफ मीटर, ये सब भी वहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो आपको कई सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी। मान लीजिए आज तो आपने फार्म किया, इन्वर्टर वगैरह से लाइट जला रहे हैं, कल को हो सकता है आप बढ़ाएं तो आपको फीड मिल की ज़रूरत पड़ेगी या फिर हैचरी आप लगाने लगे। तो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जब आप ये लगा लेंगे कि है या नहीं है या कितनी अवेलेबल है, उसी के हिसाब से ये डिसीजन लिया जाता है कि आपको कोई जनरेटर तो नहीं ख़रीदना पड़ रहा है, ये सोलर पैनल लगवाने पड़ेंगे, सोलर पैनल का इन्वर्टर भी अलग ही आता है, बैटरी भी अलग ही होती है उसकी, वो भी परचेज़ करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होता है कि जो आपका फिक्स कॉस्ट है ना, वो थोड़ी सी मतलब बढ़ती घटती है ये वाली चीज़ों से। तो वो आप जब फार्म करने का सोचें तो इसे अपनी मतलब चेकबुक में, चेकबुक मतलब एक चेकलिस्ट बनाएं और उसमें इसे भी इंक्लूड करें। दूसरे फार्म्स की सराउंडिंग्स में हैं या नहीं है, इस बात को भी कंसीडर करें, और हैं अगर तो कम से कम 500 मीटर दूर आपका फार्म उन फार्म से होना चाहिए। अगर आप इससे नज़दीक होगा तो आपके यहाँ बीमारियाँ आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। आसपास अगर ट्रीज़ हैं तो ये फ़ायदेमंद भी रहता है और नुकसानदेह भी होता है। कई बार जैसे आप बाग में फार्म कर लेते हैं, आम का बाग है, अमरूद का बाग है या लीची का बाग है, किसी भी तरीके का बाग है, उसमें आपने फार्म को लगा लिया, एक टाइम ऐसा आता है जब उसमें फ्लावरिंग स्टेज होती है तो उस पर दवाइयाँ वगैरह छिड़की जाती हैं, तो वो दवाइयाँ मतलब फार्म्स में भी आ जाती हैं, इक्विपमेंट्स क्योंकि वहीं पर रखे रहते हैं, तो कई बार वो टॉक्सिसिटी का भी कारण होती है। दूसरा क्या होता है कि उस दौरान जब फ्रूट्स का सीज़न होता है तो आप उस टाइम फार्मिंग नहीं कर सकते हैं या उस पे इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो वहाँ की जो और एक बात क्या होती है कि जो पेड़ होते हैं उन पर आकर फिर वही परिंदे बैठते हैं, बाहर से पक्षी आते हैं, तो वो भी अपने साथ बीमारियां लेकर आते हैं। लेकिन पेड़ एक बायोलॉजिकल फेंसिंग का भी काम करते हैं और फार्म से बीमारियां नहीं आने देते हैं अगर वहाँ पर, तो वो डायरेक्ट विंड ड्राफ्ट्स को भी रोकते हैं पेड़, तो उसके पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पेड़ हैं आपके और वो थोड़ा दूर दूर हैं फार्म से, तो कोई वो फार्म के लिए बहुत अच्छा है, और बिल्कुल अगर नज़दीक हैं, बिल्कुल सराउंडिंग्स में ही हैं, विसिनिटी में हैं, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि साइट सिलेक्शन कैसे मतलब किया जाना चाहिए और उसमें क्या क्या बातों का ख्याल रखते हैं हम साइट सिलेक्शन में। अगला लेक्चर हम देखेंगे कि शेड का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया जाता है, किन बातों का उसमें ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग this video.